विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन रायपुर नगर निगम ल विभिन्न मद ले प्राप्त राशि और कार्य के वर्तमान स्थिति के उठिस मामला। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल कहिस, राजधानी में सड़क के स्थिति हो गए जर्जर, गड्ढा में लोगन बेशरम के लगाते पेड़। मणिपुर की घटना ले के उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के आईस बयान, बीजेपी सरकार ऊपर निशाना साधत कहिस, मणिपुर की घटना है बेहद दर्दनाक, मुख दर्शक बन के बैठे बीजेपी सरकार, मानवता शर्मसार है लेकिन बीजेपी नहीं। बिलासपुर में स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन और पोस्टिंग के संशोधन करे के नाम में शिक्षक मन ले जम के वसूली करे के शिकायत में प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर एस के प्रसाद और क्लर्क विकास तिवारी ला करे गई सस्पेंड, जेडी दफ्तर के अन्य कर्मचारी और टीचर के खिलाफ भी चला थे जांच। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के ऑफलाइन परीक्षा में बड़का संख्या में स्टूडेंट्स हुई फेल, मंगलवार की जारी बीए भाग दो परीक्षा के नतीजा में 24,382 विद्यार्थी में 8,268 ही हुई उत्तीर्ण, 6,695 छात्र आई सप्लीमेंट्री। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में डायरिया के बढ़त है प्रकोप, चाटीडी के बाद अब बिल्हा के हथनी गांव के एक महिला के सिम्स में इलाज के दौरान हुई मौत, जिला में 6 दिन में डायरिया लेहे पांचवा मौत। बलौदाबाजार पलारी के छेरकाडी में लईकन आंगनबाड़ी और स्कूल जाए बर लकड़ी के स्थायी जर्जर पुलिया के लेवत है सहारा, जान जोखिम में डाल छोटे छोटे लईकन करत है नाला पार, लेकिन नहीं लेवत है कोनो सूद। गरियाबंद उड़ीसा काला हांडी में घूमत सात हाथी के झुंड ले बिछड़े एक नन्हा हाथी गुरुवार के दही गांव ले तेल नदी पार कर देवभोग नगर में करिस प्रवेश, वन विभाग हाथी से लोगन ल दूर रहे के दही समझाइस। बिलासपुर अरपर नदी में दिव्यांग युवा ख लगाई छलांग, लोगन बनात रहीन वीडियो, बहन ला अस्पताल ले जावत युवती है पुलिस ला सूचना दे के पहुंचाई अस्पताल, घर वाला से परेशान हो के दिव्यांग है उठाईस कदम। मौसम विभाग प्रदेश के कई जिला में भारी बारिश के जारी करी अलर्ट, दंतेवाड़ा और बीजापुर बर रेड अलर्ट, बस्तर दंतेवाड़ा और सुकमा बर ऑरेंज अलर्ट के साथ राजधानी में भी बारिश के दिहिस चेतावनी।